Hey guys, welcome back to the channel. हमने फिर से आ चुके हैं NPL के कॉर्न एपिसोड के अंदर और तुम्हें मैं फटाफट से चल के दिखा दूं पॉइंट्स टेबल। तो भाई चेन्नई अभी नंबर वन पे है, बैंगलोर में मेरी नजरें हैं, मैं चाहता हूं कि बैंगलोर टॉप फोर में आ जाए। वी विल सी आज के मैच के बाद क्या सीन बनता है। भाई स्टैट्स के बारे में बात करी जाए, अपने भाई सिर्फ और सिर्फ पर्पल कैप के अंदर ऊपर है, ऑरेंज कैप में आज अपने देखते हैं ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। अभी आधा सीजन पड़ा है, टेंशन ना लो, ऊपर ले आएंगे भाई 200-250 रन मार देंगे किसी ना किसी प्लेयर से। अभी के लिए आज हमारा मैच होने वाला है लखनऊ के साथ, फिर से आज अपने सुपर ओवर ट्राई करने वाले हैं। एक तो इस वीडियो का लाइक होने वाला 1500 लाइक्स का, अगर तुम लोग चाहते हो कि NPL के एपिसोड आते रहे और अपने फटाफट से भी तो चल के कंप्लीट कर दें, क्योंकि आगे भाई RCPL का प्लान चल रहा है और साथ ही में 30 डेज 30 करियर मोड क्रिकेट 24 के अंदर प्लान चल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें चाहिए या नहीं। लेट्स गेट टू द वीडियो नाउ, लेट्स गो। ऑल राइट, चेन्नई के राजा आ चुके हैं यहाँ पर। MS धोनी जी को अपने फिर से चल के भी तो जरा कैप्टन बना देते हैं सर को। ऑल राइट, ऋषभ पंत अपने विकेट कीपर हैं, बाकी सारी टीम गाइज अभी तुम्हारे सामने दिख ही रही है। ज्यादा कोई स्पिनर है नहीं, बट अपने पास एक्चुअली में MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। अब रियल लाइफ में भी यार सूर्य कुमार यादव बॉलिंग कर रहा है और साथ में रिंकू सिंह मेन बॉलर से बॉलिंग ही नहीं करा रहे, जीत रहे हैं भाई श्रीलंका को हरा के। तो वेल हम तो इसमें करा ही सकते हैं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज टाइम टू गो एंड प्ले द गेम। ओके, सुपर सब रखने वाले हैं आज अपने। लिटिल दास को रख लेते हैं, जडेजा को रख लेते हैं और दुबे विलजैक्स को रख लेते हैं और कौन है, गिल को रख लेते हैं। ठीक है, इट इज मैच डे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो। हियर प्रैक्टिस सेशन अभी के लिए चल रहे हैं यहाँ पर, थड़कता भड़कता जो भी है यहाँ पर मार रहे हैं ये लोग लाइनों के अंदर। बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए वैसे मेरे ख्याल से भी, तो चल के जरा इनको रोहित एंड कोहली को, पर वो बैटिंग कर रहे हैं अभी, फालतू की बात चल रही है। पिच रिपोर्ट आ रही है भैया, पिच रिपोर्ट दे रहे हैं जो भी है। इट इज अ टॉस टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी हु विल विन द टॉस। हम लोग लेने वाले अभी के लिए हेड्स, अगर हेड्स लेंगे तो पहले बॉलिंग करेंगे फिर उसके बाद टारगेट चेस करके। भाई अपन ने ना तीन बार ट्राई किए सीजन में मेरे ख्याल से सुपर ओवर, वी गोना गो विद द बॉलिंग, तीनों बार फेल हुए हैं अपने। एक बार तो लखनऊ के साथ ही फेल हुए थे, आज अपने ट्राई करने वाले हैं सुपर ओवर की एक और। वी विल सी सुपर ओवर होता है नहीं होता है सर। ये रही तुम्हारे सामने लखनऊ की स्क्वाड और ये रही तुम्हारे सामने चेन्नई द राजास की स्क्वाड। भाई एम्पायर लोग आ चुके हैं फाइनली क्रीज पे एंड इसी के साथ आ चुके हैं हमारे चेन्नई के राजास ऑन द हाउस। कोहली भैया, रोहित भैया कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला ओवर कराने वाले हैं अपने आज विराट कोहली से। लखनऊ के आ चुके हैं भाई यहाँ पर अभी के लिए। वैसे विराट कोहली की जगह ना जसप्रीत बुमराह से करा लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्विंटन डिकॉक एंड KL राहुल आ गए हैं फिर से, जसप्रीत बुमराह से करा रहा हूँ मैं तो। 5, 4, 3, 2, 1, आगे भाई हमारे जसप्रीत दी बुमराह जी ऑन द क्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब बात ये है कि ना जसप्रीत बुमराह के पास है पर्पल कैप, पर्पल कैप अपने को चाहिए। फटाफट चलते कस्टम फील्ड के अंदर, कैचेस की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर, इनको रख के थोड़ा आगे आगे रख लेता हूँ मैं, पीछे भाग के चले जाएंगे अगर कैच पकड़ना होगा तो। इनको ज़्यादा पेस नहीं देनी बस लखनऊ वालों को, मैं कह रहा हूँ ऑल आउट हो जाएगी लखनऊ बड़ी जल्दी। पहले अभी के लिए तो मेडिन ओवर जाता हूँ, दिख रहा है मुझे बुमराह जी का छक्का पड़ गया भाई, कमाल है भाई यार। ग्राउंड छोटा है भाई ये, बहुत ज़्यादा है कौन सा ये ग्राउंड मेरे को ये बताओ, चेन्नई का थोड़ी है यार ये। क्विंटन डिकॉक इतना अच्छा कैसे मार रहा है भाई मेरे को। बुमराह भैया लगता है पेसर का फील्ड नहीं है ये, अपने को स्पिनर लाना ही पड़ेगा। देखते हैं MS धोनी को बुला के जरा, पहले रवि बिश्नोई को बुला लेते हैं एक बार के लिए जरा अपने। इस बार भाई इस पूरे सीजन में एक भी बॉल नहीं डलवाई मैंने मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई से, सारी की सारी अपन ने पार्ट टाइमर से करवाई है। इस बार थोड़ा बहुत अपने करा लेते हैं जरा ट्राई, देख लेते हैं अगर रवि भाई भी विकेट विकेट ले सकते हैं, अगर KL राहुल का, राहुल नहीं राहुल है ये। अरे कैच आउट है, क्या बात है यार, रवि भाई यू आर द गोट ब्रदर, यू आर द गोट GOAT। सही खेल गया रवि बिश्नोई, ये तो कैच है सर, इट इज अ कैच, सेकंड विकेट फॉर रवि द बिश्नोई, लेट्स गो। हियर सर दो विकेट ले लिया रवि बिश्नोई ने और क्या चाहिए सर। तो देखो ये भी ऐसे कान लगा रहे हैं कि हाँ भाई सुना मेरी बात, सुना भाई बैठे तुम्हारा। बाय बाय फिंच भैया, जीरो पे चल दिए हैं, नायर भी आ गए हैं अभी के लिए। ओए वो कैच है, ओए ही गॉट अनदर विकेट, रवि बिश्नोई इज ऑन हैट्रिक लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो, लेट्स रॉक द गेम लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई हैट्रिक पे आ गया यार, अब तो हैट्रिक बनाती है यार, है ना। मैं कहता हूँ अब MS धोनी को बुला लेते हैं, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग MS धोनी का वेट कर रहे हैं कब आएंगे MS भैया। MS भैया आ चुके हैं यहाँ पर अभी के लिए, अलग ही लेवल की भाई चल रही है इनकी। ऋषभ पंत पीछे खड़े हुए हैं, क्या क्विंटन डिकॉक का विकेट आ पाएगा, क्विंटन डिकॉक का विकेट आ चुका है, हैट्रिक तो लग गई है विकेटों की भाई। लास्ट ओवर की दो बॉलों पर दो विकेट आए थे और इस ओवर की पहली बॉल पर विकेट, इसी के साथ तीन बॉल तीन विकेट हो चुके हैं यहाँ पर अभी। क्या धोनी भैया हैट्रिक कर पाएंगे भाई, क्विंटन डिकॉक को तो बाय बाय कर दिया हमने अभी के लिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या धोनी भैया की हैट्रिक हो पाएगी, धोनी भैया हैट्रिक, धोनी भैया, धोनी भैया, धोनी भैया, चार बॉल चार विकेट करवा गए भाई।
भाई दो विकेट मोर टू गो फॉर सिक्स बॉल सिक्स विकेट यार। हुड्डा भैया निकल लिए अभी के लिए यहाँ पर, धोनी भी हैट्रिक पे, नॉर्मली हैट्रिक होने नहीं देते हैं ये लोग मेरी कभी भी, पर मार्कस स्टोइनिस अभी सामने, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हैट्रिक हो जाए यहाँ पर। ये क्या सिक्स पड़ गया बे, हैट्रिक पे छक्का पड़ता है या फिर ये भाई बर्बाद कर देते हैं भाई सारा ना मजा। खैर चार बॉल चार विकेट आए, कोई नहीं भाई जी, अब आया कैच फिर से, हद होती है भाई, यही दो बॉल पहले दे देता है यार, पांच बॉल पांच विकेट हो जाते, आउट तो होना ही था, दो बॉल पहले हो जाता, छक्का मार के हुआ विश्रम सा। वेल बाय बाय स्टोइनिस भैया, आप भी आए आप भी गए, पंड्या के भाई आ चुके हैं दूसरे, पंड्या कुणाल पंड्या। वेल अभी तो पंड्या रहेंगे, पहले रवि बिश्नोई की हैट्रिक कराने की कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हार्दिक पांड्या को मौका देना नहीं देना। रवि बिश्नोई इज ऑन हैट्रिक राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या तिवारी जी का विकेट ले पाएंगे रवि बिश्नोई जी और हैट्रिक कर पाएंगे अपनी, क्या ये हैट्रिक है, इट इज अ हैट्रिक फॉर रवि बिश्नोई, एक बंदे की तो हैट्रिक आ गई भाई, एक बंदे की तो हैट्रिक आ गई, लेट्स गो यार लेट्स गो। अरे भाई बाय बाय तिवारी जी, फिर मिलते हैं, उनाथकट जी आ चुके हैं अभी के लिए, अब देखते हैं क्या और विकेट ले भाई, यार सिक्स पड़ गया ना ये, क्या क्या हो सकता है सिक्स है। कल बिश्नोई साहब अभी फाइव विकेट हॉल कर सकते हैं, क्या इस बॉल पे कर पाएंगे ये, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन हो गया भाई। फाइव विकेट हॉल फॉर रवि बिश्नोई सर, देयर वी गो, बंदे को चार मैच में खिलाया, चार मैच से बॉलिंग नहीं करा रहा मैं, बट बंदा ले गया विकेट भाई। कुणाल पांड्या भाई अभी भी नॉन स्ट्राइक पर ही खड़ा है, क्या पता भाई हार्दिक को मौका मिल जाए आउट करने का, ये तो कैच है, एक और विकेट, नोवा विकेट भाई, मेरे को तो लगता है पंड्या को चांस ही नहीं मिल रहा। रवि बिश्नोई एक और हैट्रिक पे आ गया भाई, डबल हैट्रिक पे, क्या रवि बिश्नोई की डबल हैट्रिक हो पाएगी, क्या रवि बिश्नोई की डबल हैट्रिक हो पाएगी, सिक्स है ये, पड़ गया छक्का। पहल बंदों ने तीन छक्के मारे हैं, चार छक्के मारे हैं ना पूरे मैच में, उनादकट ने मारा, स्टोइनिस ने मारा, कॉक ने मारा और अहमद ने मारा भाई। पहले अभी के लिए अपने हार्दिक पांड्या को मौका दे देते हैं एक अपने भाई को आउट करने का, हार्दिक पांड्या वर्सेस कुणाल पांड्या मैच चल रहा है अभी के लिए गाइस, देखो भाई समझ के रन मत दे देना पांड्या भैया, अपने को फिर रन बनाने भी हैं फिर ड्रॉ भी कराना है। हार्दिक भैया विकेट लेने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है ये बता दो भाई, यार भाई ये भाई के चक्कर में ना रन खा रहा है भाई, क्या लगता है लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं हो पाया, अरे रन आउट भी नहीं हो पाया भाई। पहले आखिरी बॉल है, पांड्या भैया ने तो भाई हम लोगों को बिल्कुल ही निराश कर दिया इस टाइम, क्या बोलूँ मैं अब इनके बारे में सर, भाई का विकेट ही नहीं लिया यार, भाई का विकेट ही नहीं लिया भाई, मैं तो कहता हूँ रवि बिश्नोई को बुलाते हैं, वही टंटना टन 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 तारा चलती है कि 9 से 12 करेंगे इनके आगे, आ जाओ भाई आज 13 करोड़ के प्लेयरों खिलाना ही नहीं मिचेल स्टार्क को भाई, बैटिंग करवाएंगे सीधा। अरे मेरे भाई रन खाए जा रहे हैं यार, ये 32 रन हो गए लखनऊ के, बताओ यार मजाक हो गया, इन्होंने पहले भी 36 एक मारे थे ना तब ड्रॉ हो गया था गेम, मतलब ड्रॉ तो क्या, दो विकेट से जीते थे अपने। गाइस पावर प्ले की आखिरी बॉल है, 10वां विकेट नहीं आ पा रहा अभी, पता नहीं क्या हुआ है, फाइनली आ गया भाई आ गया, शुक्र है, देखो लग ही रहा था कब मारेगा ये शॉट। पहले पूरा पावर प्ले 6 ओवर के बाद 32 कॉल आउट कर दिया हमने लखनऊ को, एंड इसी के साथ आते हुए वापस चेन्नई के राजा, चेन्नई सुपर किंग इज हियर राइट नाउ, 33 रन का टारगेट है, हम लोग 32 मारने की कोशिश करेंगे। मिचेल स्टार्क एंड ट्रेविस हेड से हम लोग कराने वाले हैं अभी के लिए ओपनिंग सर, ट्रेविस हेड एंड मिचेल स्टार्क आर हियर राइट नाउ सर जी, द ऑस्ट्रेलियंस आर गोइंग टू ओपन फॉर CSK, दोनों की स्ट्राइक रेट गजब की है, 180 की, दीपक हुड्डा आ चुके हैं ओवर लेके अभी के लिए, और मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं देने वाला हूँ पहली बॉल पर छक्का, येलो सर पहली बॉल में सीरियसली छक्का लग गया भाई, मेरा तो इंटेंशन था नहीं पर लग गया, टाइमिंग बैठ जाती है भाई, कई लोग मेरे से पूछते हैं मैं कैसे मारता हूँ छक्के, यार सिंपल भाई टाइमिंग बिठाओ, येलो सर एक बार, अरे आउट ही हो गया भाई, टाइमिंग टू लेट थी इस बार, टाइमिंग की बात है, देख लो गाइस जिनको सीखना है वो ऐसे सीख सकते हैं मेरे से, ऋषभ पंत की एंट्री करवा देते हैं अभी के लिए, ऋषभ भाई आ जाओ आप, अब ऋषभ भाई छक्का मार गए पलटी मार गए, सही है भाई, द ऋषभ शॉट इज हियर गाइस, हेलो सर आगे बढ़ के मार दिया हमने एक और चौका इसी के साथ, अब थोड़े बहुत विकेट देने का टाइम आ चुके हैं क्योंकि भाई सारे रन तो बनाने से रहे अपने 32 के 32, क्या विकेट ले पाएगा, इट इज आउट फाइनली, क्या विकेट, रवि बिश्नोई भाई आप आ जाओ, आपने आज बढ़िया विकेट ले लिए हैं, अपना विकेट दे दो बस, हुड्डा भैया पूरा चांस दे रहा हूँ आउट करने का, देख लो आप ही के ऊपर है, नहीं करा, ओके पांड्या ब्रदर आ गया भाई, ठीक है सर पांड्या के भैया आ गए हैं अभी, कृणाल पांड्या इज हियर, कुणाल पांड्या मेरे को समझ नहीं आता सर, मैं कुणाल ही बोलता हूँ ज़्यादातर अभी के लिए,
क्या मैं एक सिक्स मारने की कोशिश करूं? ट्राई कर लेते हैं, छक्का जाएगा तो जाएगा सर, येलो आउट ही हो गया। भाई रिव्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, आउट ही देते यार, सीधा उंगली खड़ी कर दे। वेल इज इट अ विकेट? इट इज अ विकेट सर जी, बाहर है ट्रेविस हेड पूरे अभी के लिए, इट इज आउट सर। थर्ड एम्पायर का डिसीजन पेंडिंग चल रहा है, ये नई चीज लाया ना अभी, ये 2020 वर्ल्ड कप 2024। सूर्य कुमार यादव हमारे T20 इंटरनेशनल कैप्टन को बुला लिया गया अभी के लिए। सूर्य भाई एक छक्का तो मार ही दो यार, कैप्टनशिप के नाम पे मार दो है। सूर्य भाई आप कैप्टनशिप के नाम पे मारो, आउट ही हो रहे हैं यार ये तो। आउट ही हो गए। हार्दिक पंड्या को भेज देते हैं कृणाल पांड्या के सामने। चलो भाई हार्दिक भैया अपने भाई की देख लो, हैट्रिक करवा दो, मैं तो कहता हूँ। आपने विकेट लिया नहीं, पहले हैट्रिक भी नहीं कराने दी, चलो ठीक है। पहले हार्दिक भैया रन आउट ही होते हुए लगेंगे मेरे को तो लगता है। जितना आ जाओ एक और रन पे आ जाओ सर, दे दिया भाई हमने विकेट एक और। इसका विकेट गया, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन सर। मेरे ख्याल से बिश्नोई हार्दिक पंड्या चल दिए भाई। जसप्रीत बुमराह की एंट्री करवा दी अपन ने अभी। आई नो विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी का इंतजार कर रहे हैं कई लोग। भाई 16 रन किसने मारने और इन तीनों ने तो मारने हैं मिलके। बुमराह भैया का विकेट तो नहीं गया अभी यार, इनसे बोल्ड नहीं होता गया यार। विकेट की लाइन में पिचिंग ही नहीं चल रही यार स्टॉइनिस की, बताओ बंदा विकेट लेने को तैयार ही नहीं है यार। ले भाई मेरे को रनआउट कराना पड़ेगा मेरे को जितना लगता है। कर दिया, खुश हो बिश्नोई गल चल दिए भाई अभी वापस। वेल अब अक्षर पटेल की एंट्री करवा देते हैं फटाफट से भी चल के सर। है भाई विकेट है, अरे बल्ला डा दिया बे इसने, व्हाट द हेल ब्रदर। क्या विकेट जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, बुमराह का विकेट हमने दे दिया इसी के साथ। आई नो कई लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तू एमएस धोनी को बुला के आउट कैसे कर रहा है, तेरी ऐसे कैसे जरूरत कैसे हुई तेरी वगैरह वगैरह। गाइस थोड़े बहुत रन बना के कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। एक आधा सिक्स मारने की कोशिश चल रही है अभी के लिए हमारी, वी विल सी क्या होता है। धोनी भैया ये तो लेट हो गया कुछ ज़्यादा ही, मेरी गलती नहीं है भाई, मेरी गलती नहीं है भाई, हाथ खड़े कर दिए मैंने। अब मेरे को तो रन तो मारने ही है भाई, मेरे को डर क्यों लग रहा है। विराट भी आप आ जाओ अभी के लिए, दो विकेट रह गए गाइस। मेरे को डर क्यों लग रहा है, मेरे को डर क्यों लग रहा है भाई कि हम हार रहे हैं वाला गेम। ओ चौका चला गया, शुक्र है भाई। विराट भी आप संभालना पड़ेगा आपको, रोहित भैया पे तो मैं भरोसा कर रहा हूँ। गाइज अभी भी मेरे को कितने रन बनाने हैं यार, 14 रन मारने हैं और ड्रॉ के लिए 33 रन का टारगेट है, 11 रन और मारने हैं अभी। अक्षर भाई ध्यान से खेल लो, ज़्यादा दिक्कतें करनी नहीं है, सिंगल सिंगल ले लो, ये घूमर घूमर कर रहे हैं अभी आराम से। ओलिविया गेम को टफ बना दी अपन ने। आई नो ये शॉट है सर, ये चौका जाएगा इजिली इसी के साथ। ओलिविया से क्लच तो करवाना ही पड़ेगा देखो। अब बात ये, अब लॉफ्ट नहीं कर सकते, बाई चांस छक्का चला गया तो भाई जीत गए अपने। तो फिर क्या चौका जाएगा, इट इज अनदर चौका गाइस, लेट्स गो। अब भाई विकेट देने हैं बस, 30 रन हो गए अपने, 2 रन बनाने अपने को, 2 रन बना लेंगे टेंशन ना लो। ले भाई विराट कोहली का विकेट दे दिया इसी के साथ अपन ने अभी। आई नो विराट के फैंस नाराज हो जाएंगे, कोई ना आगे टाइम आएगा मारने वाला, टेंशन ना लो। अभी के लिए रोहित भैया को बुला लेते हैं, रोहित भैया 2 रन मारने पड़ेंगे देख लो, मेरे धक धक खोले रहा है। 2 रन भाग लो, 2 रन भाग लो, 2 रन भाग लो आराम से, 2 रन भाग लो, 2 रन भाग लो, लिट जाओ, पहुंच गए 2 रन हो गए सिंगल गाइस। क्या क्या सुपर ओवर जाएगा ये हमारा आज पहला, क्या सुपर ओवर जाएगा, सुपर ओवर नहीं, बल्ला नहीं अड़ाना था। ऑल राइट वेल इट इज अ सुपर ओवर टाइम, इट इज अ सुपर ओवर टाइम, लेट्स गो, इट इज अ सुपर ओवर टाइम गाइस। भाई बचा लिया मैंने, 32 पे 10 बचे ओवर में अपने, 4 ओवर में सुपर ओवर का टाइम आ चुका है अभी के लिए। हम कराने वाले हैं अभी के लिए एमएस धोनी एंड रोहित शर्मा जी से ओपनिंग। आई नो कई लोग बोलेंगे विराट कोहली से कराओ, बट विराट भैया से हमने रन लगवा दिए आज के मैच में, तो अभी हम ले आए हैं भाई एमएस धोनी एंड साथ में रोहित भैया को अभी के लिए ओपनिंग के लिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन होपफुली ये लोग बढ़िया रन मार देंगे। सुपर ओवर का टाइम आ चुका है अभी के लिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट अभी के लिए अपने को उड़ानी पड़ेंगे अब सारे शॉट। ये शॉट है सर, चौका चला जाएगा, पहला चौका आ चुका है इसी के साथ। ये शॉट है सर, एक रन ही आएगा पर फील्ड कहाँ है, फील्ड यार समझ नहीं आ रहा, फील्ड के हिसाब से कहाँ मारूँ मैं। ये तो चौका फाइनली निकाल दिया रोहित भैया ने, अभी के लिए सबके अंदर डर का माहौल है। 3 बॉलों में 9 रन आया सिर्फ और सिर्फ, लेडीज एंड जेंटलमैन समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है अभी। यार मिस नहीं करना था रोहित भैया, रोहित भैया गलत पड़ जा, पंगा पड़ गया अभी, रोहित भैया मारना पड़ेगा, रोहित भैया
रोहित भैया 10 रन आए हैं यार, 16 कर लो प्लीज यार। इन्होंने फील्ड इतनी अच्छी रखी हुई है भाई, समझ नहीं आ रहा मैं मारूं तो मारूं कहां पर। ये तो टू लेट है भाई, 11 रन का टारगेट दिया हमने सुपर ओवर में भाई, 11 रन का टारगेट दिया मैंने सुपर ओवर में। सीरियसली भाई ये लग गए हमारे, सीधी सी बात ये है, अभी मुझे डर लग रहा है। धोनी भैया, रोहित भैया क्या कर दिया ये आपने, 10 रन एक विकेट। अब बात ये आखिरी ओवर दूं किसको मैं, पहला ओवर दूं किसको, ये तो आगे खेल राहुल और ये क्या 13 करोड़ की वर्थ को देना चाहिए। विराट कोहली को ले आया हूँ मैं सुपर ओवर के लिए। आई नो ये सबसे बड़ा डिसीजन खराब हो सकता है मेरा, बट मैं अब कुछ नहीं कर सकता गाइस, मेरे को डर लग रहा है। ये क्या भाई, एक छक्का पड़ गया ना, ख़त्म हो जाना है गेम उसी वक्त। मेरे को सुपर ओवर हारने का बिल्कुल मन नहीं है अभी। रोक ले आराम से। ओए कोहली भैया, क्विंटन डिकॉक है, संभाल लो प्लीज़। ये छक्का मार सकता है, ये सिक्सर मार गया। क्या करूं अब मैं भाई, बचाओ भाई, बाहर डालो बॉल को, अंदर है अभी भाई। 7 रन चाहिए इनको जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी। ओए यार चौका मत मार दे, चौका मार गया भाई, ड्रॉ है मैच, हम सुपर ओवर हार रहे हैं, वी आर लूजिंग द सुपर ओवर भाई। यार क्या हो गया, ये 2 बॉल रह गई कोहली भैया, सुपर ओवर हरवा दिया। अरे 1 बॉल 1 रन चाहिए भाई, क्या डबल सुपर ओवर हो सकता है भाई जी। वाइड चलेगी और पंगा पड़ जाएगा, पकड़ ले छक्का, सुपर ओवर। हार गए फर्स्ट गेम, हार गया भाई चेन्नई, फर्स्ट गेम हार गए यार, सुपर ओवर हार गए। आई नो गालियां पड़नी है मेरे को यार, सुपर ओवर हार गए यार। कोहली को नहीं देना चाहिए था, बुमराह को देना चाहिए था, गलती कर दी, मेरे से सबसे बड़ी वाली गलती यही होगी। पॉइंट्स टेबल देखा जाए, लखनऊ की बल्ले बल्ले हो गई है, सुपर ओवर हम हार चुके हैं करा के, सुपर ओवर हार गए यार। पहली बार एक लॉस लिखा हुआ है एनपीएल में हमारे साथ। बेंगलोर ऊपर आ जाए मैं कहता हूँ, 8 हो गए हैं मैचेस अभी इनके, पता नहीं क्या होगा। सर स्टैट्स के बारे में बात करी जाए, सबसे ज्यादा छक्के एमएस धोनी ने मार दिए 11, जसप्रीत बुमराह पर्पल कैप, एमएस धोनी विराट कोहली हैं इस लिस्ट में, ऑरेंज कैप में एमएस धोनी का नाम आ गया ऊपर, थोड़े और रन मारने पड़ेंगे। हार्दिक पंडे का नाम भी ऊपर है भाई। आई नो रोहित शर्मा का नाम कहीं नहीं दिख रहा तुम लोगों को, जल्दी आएगा बच्चों। ये 8 मैचेस में ट्राई करेंगे बढ़िया गेम का। तुम लोग गालियां चालू करो कमेंट सेक्शन में, उससे पहले लाइक एम पूरा कर देना। बाय बाय आपन, बाय बाय। मुस्कुराहट थी जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी, मुस्कुराहट थी इस दिल के धड़कने की, यही तो राज थी।